तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों के सामने अभी देख ही सकते होंगे है टीवीएस रोनिन, और ये वाला जो बाइक है ना, तो ये कल लॉन्च हुआ है। और आज इसी वीडियो का हम लोग इसी बाइक के साथ रॉयल एनफील्ड का जो क्लासिक 350 वाला बाइक है तो उसका एक ऑन पेपर कंपैरिजन करने वाले हैं, और ये शायद से यूट्यूब पर पहला वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों ही अलग अलग कंपनी के बाइक्स के लुक्स के बारे में। तो देखो भाई, ये अपना अपना डिसीजन ले लो, क्योंकि ये जो लुक का मामला है ना, तो ये आज भी मुझे रॉयल एनफील्ड का ज्यादा पसंद आता है। और हाल ही में अभी टीवीएस रोनिन लॉन्च हुआ है, तो ये वाला मॉडल भी अभी बहुत ज्यादा बढ़िया तो लग ही रहा है देखने में अपने आप में ही। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें इन दोनों ही बाइक्स के लाइट्स का सेटअप, तो देखो भाई ये जो टीवीएस रोनिन वाला बाइक है ना, तो इसके अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है, तो ये पूरे तरीके से एलईडी के अंदर अंदर दिया गया है। लेकिन इसके ही मुकाबला अगर हम लोग देखें रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की तरफ, तो उसके अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है, तो वो हैलोजन और बल्ब के अंदर अंदर दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें इन दोनों ही बाइक्स का ये ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ, तो देखो ये जो टीवीएस रोनिन है ना, तो इसी बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है इसी बाइक का सामने के चक्के पर डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर डिस्क ब्रेक विद 12 चैनल ABS वाला फीचर। और इसके ही मुकाबला अगर हम लोग देखें रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की तरफ, तो उसके अंदर आपको सामने के चक्के पर डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर डिस्क ब्रेक उसी बाइक का, मतलब क्लासिक 350 का, और उसके ही साथ सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें इन दोनों ही बाइक्स का सस्पेंशन सेटअप की तरफ, तो देखो भाई ये जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 वाला जो बाइक है ना, तो इसके अंदर आपको जो सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है, तो वो है सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे वही कॉइल वाला जो हाइड्रोलिक शॉक्स है, तो वही। लेकिन इसके ही मुकाबले अगर हम लोग देखें ये रोनिन की तरफ, तो देखो भाई टीवीएस रोनिन के अंदर आपको देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से दिया हुआ सामने USD फोक्स गोल्डन कलर का और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर व्हाइट कलर का। बाकी तो ये जो दोनों ही बाइक्स है ना, तो इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है USB चार्जिंग पोर्ट वाला भी सिस्टम। और इसके अलावा अगर बात किया जाए इन दोनों ही बाइक्स का मीटर कंसोल के बारे में, तो देखो भाई टीवीएस रोनिन वाले मॉडल के अंदर आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिलता है ना, तो ये एक पूरे तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है ये राइडिंग मोड से लेके ये जो नेविगेशन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर्स है, और उसके ही साथ टाइम फ्यूल गेज और इसके अलावा और भी कई सारा कुछ चीजें। और इसके ही मुकाबले अगर हम लोग बात करिए रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की तरफ, तो देखो भाई ये टॉप वाले मॉडल के अंदर भी आपको देखने को मिलता है रॉयल एनफील्ड का जो कनेक्ट वाला फीचर्स है, तो वो भी, और उसके ही साथ इसी वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलता है मतलब एक सेमी डिजिटल टाइप एक मीटर कंसोल, जिसके अंदर आपको और भी कई सारे कुछ चीजें देखने को मिलता है फीचर्स। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इन दोनों ही बाइक्स के अंदर दिया गया इंजन के बारे में, तो देखो भाई ये जो टीवीएस रोनिन है ना, तो इसके अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलता है, तो ये एक 225 cc वाला एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला एक इंजन है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20 bhp और मैक्सिमम जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो भी है 20 Nm। और इसके अलावा इसी बाइक के अंदर आपको 5th speed का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। और इसके ही मुकाबले अगर हम लोग बात करें रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की तरफ, तो उसी बाइक के अंदर आपको जो ये इंजन देखने को मिलता है ना, तो ये एक 350 cc वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला एक इंजन है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो है 27 Nm। बाकी तो इस वाले इंजन के अंदर आपको देखने को मिलता है 5th speed का गियर बॉक्स। और इन सभी के अलावा भाई लास्ट में एक चीज जो की है इन दोनों ही बाइक्स का एक शोरूम प्राइस, तो वो आपके स्क्रीन के ऊपर है जैसे कि देख ही सकते होंगे। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।